हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। इस एक 6 साल की प्यारी बच्ची जो है उसको एरेनुला हुआ है और इसका आपको जान के आश्चर्य होगा कि इस बच्ची के जीभ का ऑपरेशन भी हो चुका है। इसे आमतौर पर लोग जीभ का मसा कहते हैं, लेकिन इसका नाम है, असली नाम रेनुला म्यूकोसील है ये। तो इसका जब डॉक्टर से दिखाया गया बच्ची के माँ ने, तो डॉक्टर साहब बोले कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा और एक बार उन्होंने कर भी दिया और फिर हो गया इस बच्ची का। तो फिर दूसरा बार माँ ने बताया कि फिर हो गया, डॉक्टर ने बताया कि फिर ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कोई भी घबरा जाएगा, एक बार ऑपरेशन तो करा देगा तो समझता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पुनः बीमारी आ गया। तो डॉक्टर ने जवाब दिए कि जब ये ऑपरेशन करेंगे तो कुछ दिन के लिए ख़त्म हो जाएगा, फिर आएगा, फिर जब होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे, फिर जब होगा तो फिर ऑपरेशन करेंगे। बार बार ऑपरेशन, एगो मुर्गी का कितना बहालाल करिएगा है। तो वही कंडीशन आ जाता है बच्चों के साथ में, कोई भी गार्जियन ऐसा हम समझते कि अनुमति नहीं देगा। तब बच्ची के माँ ने सोचा कि आखिर इसका उपचार क्या है। तब उन्होंने हमारा सर्च किया, यूट्यूब में जाकर उन्होंने सर्च किया, तब मेरा इस पर वीडियो आया। तो एक बच्चे का जो एकदम पीला सा पड़ गया था इस बीमारी के कारण, लगता था कि उसको शायद कैंसर हो गया है और लगता था कि बच नहीं पाएगा, और 1 साल के इलाज के बाद में पूरी तरह से ठीक हो गया। जरूरी नहीं है कि सबको 1 साल लग जाएगा, बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे 1-2 महीने में भी ठीक हो जाते हैं लोग, लेकिन जिनका शुरुआती रहता है। तो क्या इस बच्ची का आप कंडीशन देख करके आप भी बार बार ऑपरेशन कराएंगे अपने बच्ची का? हाँ, यदि आप जान चुके हैं कि बार बार ऑपरेशन कराना पड़ेगा इस हकीकत को, तब तो ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन करा देने के बाद ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसको बार बार आपको ऑपरेशन आपको करानी पड़ती है, जब होगा तब ऑपरेशन करना, ये घातक है। और यह एक तरह का रेनुला है, देखने में सिंपल लगता है, लेकिन सही से इलाज नहीं किया गया तो ये जान का दुश्मन भी बन बैठेगा, हो सकता है कैंसर में बदल जाए। यह बीमारी गुटखा, पान, मसाला, तंबाकू, सिगरेट, यानी तंबाकू का अगर बहुत ज़्यादा आपने सेवन किया है तब इस तरह का बीमारी होने का खतरा रहता है। उसमें माउथ अल्सर भी आ जाएगा, मुंह के अंदर में घाव, जीभ के छाले या ऐसा रेनुला मासा टाइप का कुछ दिखाई दे सकता है। और कई लोग बिल्कुल शाकाहारी होते हैं, उनको भी हो सकता है। कई लोग घर में बहुत तेल मसाले का प्रयोग करते हैं, बाजारू सामानों का प्रयोग करते हैं, ऐसे लोगों को भी रेनुला म्यूकोसील आपको बीमारी हो सकता है। तो इसका ऑपरेशन बिल्कुल ना कराएं, होम्योपैथिक इलाज इसका चलेगा तो बिल्कुल 100% ठीक हो जाएगा। लक्षण के हिसाब से जब हमारे पास जीभ का फोटो भेजेंगे तब हम आपको बता पाएंगे कि कौन सा कितने दिनों तक किस प्रकार की दवा चलानी पड़ेगी। यदि छपरा जिला बिहार से आप नज़दीक हैं तो हमारे डायरेक्ट क्लिनिक आकर के दिखा सकते हैं, यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन दवा घर बैठे मंगा सकते हैं फोटो भेज करके। यदि तमाम तरह का उपचार करा लिए हैं और ठीक नहीं हो पाता है तो जरूर आप ट्रीटमेंट कराएं, जरूर आपको ठीक होगा। और इसमें हरा सब्जी, फल फ्रूट लें और बाजारू चीज़ों से आप दूरी बना लें। और कोई भी आपको यदि रेनुला है उसमें से खून आ गया, यदि खुजली हो गया, खून आए, खुजली आए, तो इस तरह के आपको रेनुला से सावधान होनी चाहिए, हो सकता है कि कैंसर में बदल गया हो। इसके लिए आप बायोप्सी का जांच भी करा सकते हैं, बायोप्सी टेस्ट, जिसमें यदि वो रेनुला है उसमें दर्द हो, जिसे आप मसा कहते हैं, दर्द हो, खुजली हो, खून निकले, तो ये कैंसर होने की संभावना रहती है। जरूरी नहीं है कि सबका कैंसर ही हो जाए, तो बहुत सारे हम आपको फोटो इसमें दिखा सकते हैं।
ये मैडम का देखिए कितना छोटा है रैनुला, बहुत छोटा है। तब जो छोटा हो उसी समय उपचार कराएं तो और अच्छा रहेगा, और भूल कर भी रैनुला का ऑपरेशन न कराएं और एक केस बिगड़ जाता है और बीमारी आपका ऑपरेशन से कभी भी ठीक नहीं होता है। इसका उपचार होम्योपैथिक इलाज चलेगा, आपको बिल्कुल बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो आज के खास वीडियो में बस इतना ही, और नंबर को भी नोट कर लीजिए 9801757533, यानी 980-1757-533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070033342 पर अपनी समस्या का समाधान जा सकते हैं। फोटो अपना व्हाट्सएप करिए, उसके बाद में हम सब कुछ बता देंगे करना क्या है। जय हिंद, जय भारत।